आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स थे उनके साथ हम कनेक्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे पास बैच 18 से बैच 19 से बैच 20 से बैच 21 से स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो जी ये सेशन रखने का मकसद ये था कि ये जानना हमारे लिए बहुत ही अहम है कि आपने जो स्किल सीखी है डिजिटल फ्लेयर्स की तरफ से, वो स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस नौयत से कर रहे हैं। तो जी देखें, आप हमारे पास हमारे फैमिली मेंबर बन के आए थे और हमेशा फैमिली मेंबर रहेंगे, क्योंकि डिजिटल फ्लेयर्स का जो फर्स्ट मोटो है वो यही है कि आप हमारे एक बार फैमिली मेंबर बन गए तो लाइफ टाइम आप और हम साथ काम करेंगे। अब इसके बाद ये स्किल सर्कल से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काइंडली चैट में मुझे बताएं। मींस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे थे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके भी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आज के स्किल सर्कल में हम क्या सीखेंगे। मींस अपने चैट में बताएं कि ये जो सेशन आपने ज्वाइन किया है ये किस वजह से किया है, कोई चीज सीखने के लिए किया है या जस्ट एक इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए किया है। मुझे थोड़ा अपने व्यूज से आगाह करें। चलिए जी स्टूडेंट्स, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें कि आप में से कौन कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड और पीडीएफ एडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और वो उसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, डेली वर्क रूटीन में इंप्लीमेंट कर रहा है। कौन कौन जिन्होंने प्रो एमएस ऑफिस की स्किल सीखी थी वो डेली बेसिस पे अपनी डेली लाइफ में वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, काइंडली वो स्टूडेंट्स मुझे बताएं और ये बताएं कि जो स्किल्स आपने सीखी है उनसे आपके काम आसान हुआ है या आपका काम वही डेली रूटीन वाला था, और अगर आपका काम आसान हुआ है तो किस कदर आसान हुआ है। मींस आप क्या रैंक करेंगे कि आउट ऑफ 100 कितने % आपका काम इजी हो गया आफ्टर लर्निंग दीज स्किल। चले, वेरी गुड अनीस। और स्टूडेंट्स और कौन कौन है बताएं। 99% जबरदस्त अनीस सर, इंशाल्लाह थीसिस में बहुत हेल्प मिलेगी। जबरदस्त असमा। चलें जी, हम अपने सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा स्किल सर्कल पर प्रो एमएस ऑफिस का मेंटोर। जो फर्स्ट चीज है, जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्किल सर्कल, स्किल डेवलपमेंट। स्किल सर्कल होता क्या है, इसकी नीड क्यों होती है और ये क्यों हम कर रहे हैं। देखिए जी, हमें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत एक ये ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में ये चीज अब है कि आपको जब तक कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको जब तक एक चीज की जरूरत पेश नहीं आएगी, आप उस चीज को नहीं करेंगे। इससे मिसाल ले लें आप कि जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ती पैसों की, आप पैसे कमाते नहीं है। जब तक आपको प्यास नहीं लगती आप पानी नहीं पीते, जब तक आपको खाना की भूख नहीं लगती आप खाना नहीं खाते। मीन्स आपको एक चीज की नीड होती है तो आप वो चीज करते हैं। उसी तरह हमें जो डेली बेसिस पर अपनी स्किल को स्किल की नीड क्या है, स्किल की ग़िज़ा क्या है, स्किल की ग़िज़ा है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, वो है आपकी अर्निंग। अब एक स्किल है आपने सीखी है, उससे आपको अर्निंग मिल गई, अब आप बोलोगे यार इस स्किल से मुझे इतनी अर्निंग हो गई, अब मैं इसको और पॉलिश करूंगा और अर्निंग होगी, और पॉलिश करूंगा और अर्निंग होगी। तो मीन्स आपकी जो स्किल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी अर्निंग से। अब ये बात है कि आप जितना अपनी स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो फैक्ट है, जो कि 110% करेक्ट है। अब स्किल डेवलपमेंट कहाँ से करें, कैसे करें। तो जी देखिए, सबसे पहले तो आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है जिसमें आप डिफरेंट स्किल्स को सीख के अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट है और स्किल डेवलपमेंट इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि हमारे पास एक चीज है कि अगर आप एक चीज को 3 महीने से ज्यादा करें तब उस चीज में मास्टर हो जाते हैं। अब ये चीज काफी हद तक सही भी है, काफी हद तक सही नहीं भी है। मास्टर किस तरह हो जाता है, देखे हमारे पास आजकल जो लाइफ इतनी टफ हो गई है, इसमें किसी के पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो वो एक चीज अगर करता भी है तो ज्यादा से ज्यादा एक मंथ करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये बात पे बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम 3 महीने तक करेंगे तो हम उसमें मास्टर हो जाएंगे। मास्टर किस तरह होंगे, देखिए मैंने एक चीज सीखी, मैंने 1 महीने की, दूसरे महीने की, मैं थक गया, बोर हो गया, मैंने छोड़ दिया। एक बंदा था वो कंटिन्यूसली वो चीज कर रहा है। अब किसकी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी, कौन उस स्किल में ज्यादा मास्टर होगा, डेफिनेटली वो जिसने उसको 3 महीने तक इम्प्रूव करता रहा है। इसी तरह सेकेंड थिंग प्रैक्टिस। ह्यूमन साइकोलॉजी के एक आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था परसों कोरा में। कोरा एक बहुत फेमस वेबसाइट है, जिस तरह की आपकी एक विकिपीडिया है, कोरा भी एक कंटेंट वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए मिलता है। वहाँ पे मैं एक साइकोलॉजी का एक आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ये पता चला ह्यूमन साइकोलॉजी में एक पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान एक चीज सीखता है और उसको जो न्यू एक चीज सीखता है उसको 3 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करता, वो चीज़ वो भूलने लगता है। मीन्स आपने एक स्किल सीखी, आपने एक कोई नई टेक्निक सीखी, नई ट्रिक सीखी, आप उसको 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। ये पहली बात। तो प्रैक्टिस हमारे लिए इतनी मैंडेटरी है जितनी पानी, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, उसी तरह प्रैक्टिस। स्किल के लिए अगर कोई पानी का काम करता है वो है प्रैक्टिस। आप जब तक अपनी स्किल में प्रैक्टिस ऐड नहीं करेंगे आपकी वो स्किल पॉलिश नहीं होगी। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने प्रो एमएस ऑफिस के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी लिया होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी लिया होगा, वेब डिजाइनिंग भी लिया होगा, फ्रीलांसिंग भी लिया होगा, ऑटोकैड भी लिया होगा। अब आप मुझे बताएं इनमें से कोई भी एक स्किल जिसमें आपने प्रैक्टिस ना की और आप बोल रहे हो सर मैं मास्टर हो गया हूँ, एनीवन आप में से, कि वो ये बोले सर देखे मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी लेकिन मैं मास्टर हो गया। अगर कोई ऐसा है तो काइंडली मुझे बताएं। अब तीसरा पॉइंट, रीडिंग बुक्स। अब ये रीडिंग बुक्स सर ये कहां से आ गया? जी देखिए अब मैं आपको बताऊं, जाहिर सी बात है कोरा में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले कि हम जो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जी जी बिल्कुल अनीस। अब देखिए हमारे पास ये है कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आजकल बहुत कम हो रही है, बहुत कम लोग हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं। अब बुक्स पढ़ने के फायदे क्या क्या वो मैं आपको काउंट कराता हूँ। सबसे पहले बुक्स से आपकी मेमोरी शार्प होती है, दूसरी चीज ये उससे आपके जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। अब देखिए हम कोई वीडियो देख लेते हैं ना तो वीडियो में चीज ज्यादा समझ में आती है, आसानी समझ में आ जाती है, तो जो चीज आसानी से समझ में आती है वो आसानी से भूल भी जाते हैं। बुक्स क्या है, बुक्स को हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, थक गए, आस्ते आस्ते हैबिट बनाएंगे। मीन्स जो चीज आप मुश्किल से जब गेट करते हैं ना, आप एक बुक आपने पढ़ी, जस्ट फॉर सपोज आपने एक बुक 250 पेजों की खत्म की 1 महीने में आपने कर ली, उसी बुक के रेफरेंस पे 3 घंटे की वीडियो थी वो आपने 2 दिन में खत्म कर दी, 2 दिन में देख ली समझ ली। अब 3 महीने बाद भी जब आप उस बुक को पढ़ेंगे आपको फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से पॉइंट याद होंगे बनिस्बत उसके आपने जो वीडियो देखी थी। रीडिंग बुक्स एक बहुत ही बेहतरीन हैबिट है आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए, आप में एक अच्छी प्रैक्टिस की हैबिट बिल्ड करने के लिए। अब कुछ बुक्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ बुक्स है, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ये कुछ बुक्स है रिलेटेड टू एक्सेल, रिलेटेड टू वर्ड एंड रिलेटेड टू इंटरव्यू। ये एक बुक है CFI अकाउंटिंग ई बुक, ये बेसिक्स अकाउंटिंग की ई बुक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में पता हो जो डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, आप एक्सेल सीख रहे हैं, आपने मुझसे एक्सेल का कोर्स किया है, अब आप चाहते हैं सर मैं उसमें थोड़ी और अपनी डेवलपमेंट करूं, तब ये बुक रेफर कर लें। अगर आपने जो पाइवट टेबल, जो मैंने हमारी 2 क्लासेस हुई थी पाइवट टेबल पे, पाइवट चार्ट पे, अगर आप उसको बिजनेस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये बुक आप रेफर करें। अगर जो अब अभी एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि कमिंग वेडनेसडे को, इस कमिंग वीक के वेडनेसडे को आपका जो डेमो सेशन होने जा रहा है वो एडवांस एक्सेल का होने जा रहा है। अभी हमने प्रो एमएस ऑफिस में वर्ड भी सीखा, पावरपॉइंट भी सीखा, हमने एक्सेल भी सीखा, हमने पीडीएफ एडिटिंग भी सीखा। अब आपको मैं एडवांस एक्सेल का कोर्स डिलीवर करने जा रहा हूँ जो हम 2 एंड 2.5 मंथ का हमारा कोर्स होगा जिसमें हम एक्सेल को थोरली पढ़ेंगे। उसमें ये जितने भी आपको बुक्स दिख रहे हैं इनका सारा कॉन्टेंट मैं उसमें लेके आऊंगा। आपको उसमें मैं पाइवट टेबल एक लेवल तक सिखाऊंगा, एक हाई लेवल तक कि बिजनेस में पाइवट टेबल की क्या अहमियत है। उसके अलावा मैं आपको एक्सेल में प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग करके हम क्या चीज बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके भी एक सैंपल आपको दिखाऊंगा। एक्सेल में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरी बुक है बुक्स की चल रही है, बुक रीडिंग हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। एक्सेल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिजनेस, माने एक्सेल। अच्छा देखें, हमारे पास अभी आजकल जो भी स्टूडेंट है वो जॉब से ज्यादा ये सोच रहे हैं कि काश कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर लूँ, काश कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर लूँ, ऑनलाइन ऑन साइट एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर लूँ। अब जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी बिजनेस हो वो अकाउंट्स के बगैर चलता नहीं है। अगर आप अकाउंट्स का काम उस पर नहीं करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैंने इन्वेस्ट कितना किया, मुझे गेट कितना हुआ, तो आपको वो बिजनेस नहीं चल सकता है। मीन्स ये तो एक बात नॉर्मल है। नो वॉइस, बेटा मेरी वॉइस आ रही है सबको? स्टूडेंट्स काइंडली मुझे चैट बता दे। अनीस, अस्मा, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। बेटा आपके एंड से कोई इश्यू है? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बेटा शफाफ, आप काइंडली अपना नेट कनेक्शन चेक करें या माइक चेक करें। चलें जी, अब पावर एक्सेल विद मिस्टर एक्सेल। अच्छा ये बुक जो है ये पावर एक्सेल विद मिस्टर एक्सेल, ये वन ऑफ द फाउंडर एमएस एक्सेल इन्हें कहा जाता है। बिल जेलिन ये को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हुई है वो इनके अकॉर्डिंग हुई है। तो इनकी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट बिजनेस, अबाउट यूजिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास हर जगह पे यूज हो रहा है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या आप एक जस्ट बिजनेस ऑन करना चाहते हैं, इवन कि आप अपना ऑनलाइन सेटअप लगाना चाहते हैं, तो एक्सेल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। पावर पॉइंट, वर्ड वो हमने सीखा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक्सेल में सीखना है अपने बिजनेस को वास्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट बुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 डमीज। इस बुक में आपको ऑलमोस्ट सारे वो एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे कि वर्ड में कितने हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन का क्या यूज होता है। इसमें मैं एक बेहतरीन सी अपनी रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकता हूँ, किस तरह से मैं एम्प्लॉय सेटलमेंट फॉर्मेट इसमें बना सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी बुक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने तकरीबन मुझे 2 से 3 साल इनको ढूंढने में, पढ़ने में, सर्च करने में। बुक्स तो बहुत हैं लेकिन ये वो बुक्स है जो मैं पर्सनली कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं आपको रेफर करूंगा कि ये इजी टू रीड है, इजी टू लर्न है। अब हमने यहाँ पे अपना जो एक पॉइंट है, ये एस्पेक्ट्स भी हमारा कवर हो गया कि रीडिंग बुक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पे अभी एक और टॉपिक में कवर करूंगा, ऑनलाइन वेबसाइट एंड टूल्स फॉर बेटर राइटिंग। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मॉड्यूल में आपने देखा था कि हम रिपोर्ट राइटिंग सीख रहे थे कि किस तरह से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। जाहिर सी बात है आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको उसके लिए कंटेंट चाहिए होगा। नो वॉइस एट माय साइड। शफाफ ऐसा करें आप एक बार लीव करके आप दोबारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह फिर आपका ये वॉइस का इशू खत्म हो जाएगा। चलें, ऑनलाइन वेबसाइट एंड टूल्स फॉर बेटर राइटिंग। अब मैं ये चीज किसके से रिलेट करनी चाहिए वो आप देखिए। हमने वर्ड के मॉड्यूल में रिपोर्ट राइटिंग सीखी थी, वो रिपोर्ट राइट करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। अब वो कंटेंट कहाँ से है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उस पर एक रिपोर्ट बना के आए। वर्ड में आपको रिपोर्ट बनाना आती है, आपको कॉन्टेंट चाहिए, वो कॉन्टेंट के लिए हम कौन सी वेबसाइट रेफर करेंगे। आपको कॉन्टेंट मिल गया, अब उस कॉन्टेंट को आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कॉन्टेंट मैंने नेट से उठाया है तो मुझे बाद में कोई ये ना बोले ये तो आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, उसमें कुछ आपकी अपनी इंप्रूवमेंट भी हो, तो वो हम कैसे करेंगे, किन किन वेबसाइट से करेंगे। अब देखें कंटेंट का यूज हर जगह पे, चाहे आप किसी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया हो, आपको उसके लिए कंटेंट चाहिए, आपको कैप्शन चाहिए, आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोस्ट एड चाहिए अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग किया तो आपको उसके लिए जो टाइपोग्राफिकल आप पोस्टर्स बनाते हैं आपको उसके लिए कॉन्टेंट चाहिए। इसके अलावा अगर आप वेब डिजाइनिंग करते हैं तो आपको उसके लिए कंटेंट चाहिए। वो सारे कंटेंट आपको कहाँ से मिलते हैं, उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट आपको रेफर करूंगा, कुछ टूल्स आपको रेफर करूंगा जिससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और जो प्लेजरिज्म मींस आपका जो डेटा है, आपका जो कंटेंट है वो आपका ही है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, इस तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जी चलें अभी हम चलते हैं अपनी वो वेबसाइट के थ्रू। चलें जी, सबसे पहले ये वेबसाइट है पेपर टाइप, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब ये वेबसाइट है क्या? ये वेबसाइट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर मतलब आपको एक टॉपिक दिया है, अब आपको ज्यादा पता नहीं कि उस टॉपिक के बारे में आप क्या लिखेंगे। इंटरनेट में बहुत सारा डेटा है, आप उसको अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो डेटा बहुत सारे लोगों ने उठाया हुआ है। अब हमारे पास यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होते हैं वो प्लेजरिज्म चेक करते हैं। प्लेजरिज्म मतलब किसी स्टूडेंट ने डेटा खुद लिखा है, किसी स्टूडेंट डेटा ने गूगल से उठाया है। अब जाहिर सी बात है वो जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं चेक करने का, वो जस्ट आपकी जो असाइनमेंट होती है उसको स्कैन करते हैं, गूगल पे देखते हैं कि कितना प्लेजरिज्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं। या जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रपोजल लिखा है किसी क्लाइंट को, आप बिजनेस में कोई एज अ एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, अब आपने जो प्रपोजल लिखा है वो कितना क्लियर है, कितना आपका वो टू द पॉइंट है, ये चेक करेंगे आपके एग्जीक्यूटिव। अब उस चीज को अगर आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक ड्रॉबैक होगा, आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। उसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में आप कंटेंट लिखते हैं, अब आपने कहीं और से कंटेंट उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपकी वेबसाइट गूगल इंडेक्स आउट हो जाएगी। यानी गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स ही नहीं करेगा, चाहे जितनी भी उसकी एसईओ अच्छी कर ले, क्योंकि आपने एक डेटा कॉपी किया हुआ है। तो उस चीज से बचने के लिए हम इस तरह की वेबसाइट को रेफर करते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज आपके एमएस वर्ड की रिपोर्ट राइटिंग में भी होता है, इसका यूज आपके कंटेंट राइटिंग में भी होता है, इसका यूज आपके वेब डिजाइनिंग में भी होता है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप डिजिटल फ्लेयर की तरफ से कोर्स कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस वेबसाइट को आप जरूर रेफर करें। ये वेबसाइट आपके उस कोर्स के साथ इस तरह से लिंक होगी जिस तरह से आटे के साथ नमक, जिस तरह से वो एक म्यूचुअल जोड़ है, उस तरह ये भी एक म्यूचुअल जोड़ होगा। अब हम आगे मूव करते हैं वेबसाइट को। अच्छा, इस वेबसाइट में आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस वेबसाइट की आपको लिंक मिल जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है साइन अप पे, एंड आपने अपनी गूगल के साथ इसको साइन अप कर देना है। एंड देन फर्स्ट 10,000 वर्ड्स, देखिए यहाँ पे फ्री प्लान, फर्स्ट 10,000 वर्ड्स आपको फ्री मिलेंगे। आप वो 10,000 वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका फ्री होगा। आफ्टर 10,000 वर्ड ये आपका पेड सब्सक्रिप्शन मांगेगा, बट 10,000 वर्ड्स भी बहुत होते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे इसको यूज करते हुए 2 हफ्ते हो गए, मैंने अब तक सिर्फ 1179 वर्ड्स अभी तक यूज किए हैं, तो ये बहुत होते हैं। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया में यूज कर सकते हैं, इसके कंटेंट को कॉपी राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी करें, आपको उसके लिए कीवर्ड्स मेटा डेटा आपको यहाँ से मिल जाए जो बिल्कुल यूनिक हो, जो आपको गूगल इंडेक्स में रैंक करें, तब वो यहाँ से उठा सकते हैं। अगर आप डिजिटल फ्लेयर की तरफ से वेब डिजाइनिंग का कोर्स करके आप चाहते हैं कि उसमें मैं अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाऊं, तो ई कॉमर्स स्टोर में जाहिर सी बात है आपको हर एक जो आइटम है उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, वो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वही बात ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसमें अपने कोई भी क्लॉथिंग का स्टोर बनाते हैं, कोई भी स्टोर बनाते हैं, आप उसके लिए कॉन्टेंट यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास टॉपिक्स है, मोस्ट पॉपुलर, कोरा आंसर, आप कोरा के आंसर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कोरा में कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे आंसर करना चाहते हैं, आपकी अपनी उधर लॉगिन है, आपका आंसर जो पड़ेगा आपको व्यूज मिलेंगे उससे, या आप चाहते हैं आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लें और जो आपकी वेबसाइट जो इस कोरा में आपका वो आर्टिकल पड़ेगा वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए। आप अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी रखते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट रीराइटर कमाल का टॉपिक है। अब देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि किस तरह से प्लेजरिज्म हम खत्म कर सकते हैं, वो इस तरह से हम कर सकते हैं। मीन्स हम इसमें अपना कंटेंट डालते हैं, ये रीराइट करता है उसको, डेट मैजिकली इम्प्रूव्स योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। ये आपके कंटेंट को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। टॉपिक आपका वही होता है जो आपको कहना चाह रहे होते हैं, आप किसी को समझा रहे होते हैं, टॉपिक और बात वही रहती है, बट ये आपके कंटेंट को रीराइट कर देता है। दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन, अब आपने डिजिटल फ्लेयर की तरफ से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, आपने अपनी एक सोशल मीडिया एजेंसी भी बना ली, अब उसके लिए आपको जो कंटेंट चाहिए होगा वो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट हेडलाइन कॉपी, वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन हेडलाइन वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फॉर योर वेबसाइट ऐप स्टोर लिस्टिंग और सेल्स ईमेल, ब्रांड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब योर रॉकेट ब्रांड और प्रोडक्ट। उसके बाद गूगल एड कॉपी, अगर आप गूगल एड सेंस के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। आप ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, आपको ट्विटर अकाउंट में अपने हैशटैग्स बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर्स बनाने, तो उसके लिए भी कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक एड कॉपीज, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। अब हम सबसे पहले जो कवर करते हैं वो ये कंटेंट रीराइटर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना कोई ब्रांड डालूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रांड है, ये टेकी सर्विसेज। मैंने यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। मैंने क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर है, ये मुझे टॉपिक मिला। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने कुछ भी यूनिवर्सिटी का नेम डाल सकते हैं, नो इशू। नीचे आपने टॉपिक डाल देना जो आपको मिला है। या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कोई चीज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपको स्कूल की तरफ से अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रपोजल राइटिंग मिली है, कोई असाइनमेंट मिली है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे अपना लिख लिया कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। मैं जस्ट इस क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करूंगा। अभी देखिए क्रिएट कर रहा है इसने, विद इन 2 और 3 सेकंड मेरा कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखें 2 कंटेंट रीराइटर जनरेटर फॉर टेकी सर्विसेज। पहला मैं देख लेता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर बट ओनली इफ वी प्रोग्राम इट टू बी आवर पैल। पहले आर्टिकल ये, आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में वेरी वेल बी द फ्यूचर। लेट्स नॉट फॉरगेट थ्रू दो दैट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन पीपल रियली लाइक टू चेंज। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मोर। मैं क्रिएट मोर पे क्लिक करूंगा तो ये और कंटेंट मेरे लिए जनरेट करेगा। यहाँ पे ये देखें, It's important to be aware of the need to update and modernize your infrastructure in order to keep up or even surpass the advances being on an hourly basis by others. AI stands for artificial intelligence, is one such advancement that changing the world around us by how it's affect our ability to do things. So, ji, maine जैसे इसको एक नाम दिया, एक ब्रांड नेम दिया, अपना टॉपिक दिया, इसने मेरे लिए कंटेंट जनरेट करके यहाँ पे मुझे दे दिया। मैं क्रिएट मोर आउटपुट्स पे करूंगा, फिर और कंटेंट जनरेट करेगा। ये देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द न्यूएस्ट ट्रेंड दैट हैव स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इट हैज ग्रेटली अफेक्टेड एनी सेक्टर इट इज करंटली इन्वॉल्व इन व्हिच मेनी कंपनीज प्रेफरिंग दिस मेथड रेदर देन यूजिंग ह्यूमन वर्कर। अब देखिए इसका यूज बताता हूं मैं कहां कहूंगा। आपने एक गिग बनाई फाइबर पे, फ्रीलांस मार्केट पे, तो वहां पे आपने क्या किया कि आपने एक गिग अपनी पोस्ट की कि मैं रिपोर्ट राइटिंग आपको करके दूंगा विद इन $10। आपको एक क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट बोलता है जी मुझे एक टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट लिखवानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपको बोलता है कि मुझे 15 पेजेस की अपनी रिपोर्ट लिखवानी है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो टॉपिक इधर लेके आना है। यहाँ पे आपने अपने वो टॉपिक की टैगलाइन दे दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। ये आपको कुछ इस तरह से आर्टिकल्स दिखाएगा। इन सबको आपने यहाँ से कॉपी कर देना है। यहाँ से कॉपी किया, अपनी वर्ड की फाइल खोल लेनी है। वर्ड की फाइल खोले, यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट कर लें। अगेन आप यहाँ पे जाए, आप क्लियर मोर आउटपुट्स पे करें। ये देखें, ये पॉइंट उठाए, उसको ऐसे कॉपी कर देनी है। कॉपी का सिंबल है, यहाँ पे उठाए, वर्ड की फाइल खोलें, नेक्स्ट करें, आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। फिर इसको आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। आपको कंटेंट मिल गया, अब इसकी फॉर्मेटिंग आपने करनी है। फॉर्मेटिंग आपको थोरली मैंने सिखाई थी एमएस वर्ड में। अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको टेम्पररी बेस पे कोई मैसेज टाइप करना है और आप चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो या वो मैसेज कॉपी ना लगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, वर्डट्यून। वर्डट्यून हमारी एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए वर्डट्यून.com, इसकी लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम आएगा, Get a feel for what Wordtune can do. Enjoying rewrite, यहाँ पे go to editor जाए। Go to editor में जाने के बाद आपने अपना कोई भी content है वो यहाँ पे आप खुद manually type कर देना है या तो copy paste कर देना है। अब just for example यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, write something और paste your text here। अब मैंने पहले से टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिया। अब ऊपर देखें यहाँ पे रीराइट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने फॉर एग्जांपल कहीं से कॉपी किया है, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं चेंज कर दूं अपने अकॉर्डिंग, रीराइट पे क्लिक करें। अब ये देखिए नीचे कुछ सजेशन मेरे पास आएगी। ऊपर मैंने क्या लिखा था, एज अ जूनियर एनालिस्ट यू विल हैव फ्यूअर चैलेंजेस देन अ सीनियर एनालिस्ट, माने आपको जब आप जूनियर एनालिस्ट होते हैं तो आपको कम चैलेंजेस आते हैं एज कंपेयर टू सीनियर एनालिस्ट। यहाँ पे वो रीराइट हो क्या है, एज अ जूनियर एनालिस्ट यू विल फेस फ्यूअर चैलेंजेस देन अ सीनियर एनालिस्ट, द चैलेंजेस यू फेस एज अ जूनियर एनालिस्ट विल बी लेस देन दोस हु फेस बाय सीनियर एनालिस्ट, इन कंपैरिजन टू सीनियर एनालिस्ट जूनियर एनालिस्ट फेस फ्यूअर चैलेंजेस। माने अपने कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग रीराइट कर सकते हैं। ये फर्स्ट वेबसाइट है। इसके अलावा हम सेकंड वेबसाइट पे आते हैं, वह क्विलबॉट। अच्छा, ये जो मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो कि आपके कंटेंट को लिखती है, और ये सारी कॉपीराइट फ्री है। ये देखिए, ये क्विलबॉट हमारी वेबसाइट है, फर्स्ट लिंक में ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही आ रहा है, क्विलबॉट विल रीराइट योर टेक्स्ट, स्टार्ट बाय राइटिंग और पेस्टिंग समथिंग हियर एंड देन प्रेस पैराफ्रेज बटन, ट्राई टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे ये रेस कर देता हूँ डमी टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना वही डेटा। एज अ जूनियर एनालिस्ट यू विल हैव फेस फ्यूअर चैलेंजेस देन अ सीनियर एनालिस्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पैराफ्रेज पे, ये इसको रीराइट करेगा। अब देखिए, You will face fewer problems as a junior analyst than a senior analyst. Again इस पे क्लिक करें। अभी देखें, as a junior analyst you will face fewer problems than a senior analyst. अब हो सकता है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइन का सेंटेंस है, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ हो, पैराग्राफ 4 से 5 लाइन्स का हो, 4 से 5 सेंटेंस का हो, मुझे उसको समराइज करना हो, मुझे उसको छोटा करना हो, क्योंकि देखिए हमारे पास वर्ड लिमिट होती है। समटाइम आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट आप डालते हैं तो उसमें कुछ वर्ड लिमिट होती है, मीन्स आपके वर्ड 280 या कुछ इस तरह के होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमसे कैसे सॉल्व करें, तो वो भी हम करते हैं। मैं आता हूँ अपने यहाँ पे ये पेपर टाइप में, यहाँ पे जो मेरा ये आर्टिकल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन मैं आता हूँ अपने इसमें। अब यहाँ पे मैं देखे क्विलबॉट, यहाँ पे आपको ये दूसरी लिंक मिलेगी समराइजर, समराइजर पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको समराइज करूँ, मीन्स इसको मैं कंसाइज करूँ, ये जो है अगर मेरा 4 से 5 लाइन्स में आ रहा है, इसको मैं और किस तरह से समराइज कर सकता हूँ कि ये इजी टू रीड हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें सिलेक्ट कीवर्ड्स, माने ये कीवर्ड्स इसमें होने चाहिए, ये कुछ मेन कीवर्ड्स है, जैसे डेली बेसिस, एआई, वर्ल्ड, अपडेट, सरपास, ऑर्डर, नीड, मैंने इन सब पे क्लिक कर देना है, ये कीवर्ड्स मुझे इसके अंदर चाहिए। इसके बाद समराइज पे क्लिक करें। अभी जो नेक्स्ट विंडो होगी यहाँ पे, ये इसको समराइज करके दे देगा। चलिए, अब यहाँ पे इसने किस तरह समराइज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कीवर्ड सारे सिलेक्ट कर दिए थे, तो इसने वो जो मेरा 4.5 से 5 लाइन का मेरा पैराग्राफ था उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अगर कीवर्ड्स में कुछ कम सिलेक्ट करता हूँ ये उसको कम कर देता है, बट क्योंकि मेरे लिए सारे कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ नीड ऑफ अपडेट एंड मॉडर्नाइज यूर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू कीप अप एंड इवन सरपास। अभी देखिए ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स इसने सारे यूज किए, और कहाँ कहाँ यूज किए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए। इसी तरह से हमारे पास एक और वेबसाइट है, उसमें एक एक्सटेंशन है जो आपने इंस्टॉल करना है, वो है ये वर्डट्यून। देखें आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रही होगी वर्डट्यून नाम से। अब ये वर्डट्यून एक्सटेंशन मुझे कहाँ कहाँ काम आती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे आपके ग्रुप में कुछ लिख रहा होता है, बेस्ट 20 का ग्रुप है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स टुडे इज लास्ट डे फॉर असाइनमेंट सबमिशन, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, स्टूडेंट्स टुडे इज लास्ट डे फॉर असाइनमेंट सबमिशन। इसको मैंने सिलेक्ट कर देना है। इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा या पर मुझे पर्पल कलर का W दिखेगा, इसलिए मैं क्लिक करूंगा। तो जिस तरह से वर्डट्यून का एडिटर मेरे लिए एडिट कर रहा था, ये भी इस तरह से मेरे लिए एडिट करेगा, लेकिन ये व्हाट्सएप के अंदर होगा या अगर मैं किसी को ईमेल करूंगा ये उसके अंदर होगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, ये टुडे इज द लास्ट डे फॉर स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट्स टुडे इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय टुडे फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे इज द लास्ट डे टू टर्न इन असाइनमेंट। जी जी बिल्कुल यूजफुल है। अच्छा अब मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट सिलेक्ट कर दी, स्टूडेंट्स टुडे इज द लास्ट डे टू टर्न इन असाइनमेंट। अब इससे क्या हुआ, अगर मैं किसी को ऑफिशियली मैसेज करूंगा तो वो देखेगा यार इसने ये कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया, टर्न, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, माने डेडलाइन हर कोई यूज करता है, लास्ट डे हर कोई यूज करता है, मैंने लास्ट डे टू टर्न इन असाइनमेंट, मैंने आज आपका आखिरी दिन है, आपने असाइनमेंट आज ही सबमिट कराना है। मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, मेरी ग्रामर इंप्रूव हो गई, मेरा इंप्रेशन अच्छा था। अब ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो ये मेरे पास क्रोम, ये माइक्रोसॉफ्ट एज में, बट मोस्टली जो आप यूज करोगे वो होगा गूगल क्रोम। तो मैं आपको रेकमेंड भी ये करूंगा कि आप गूगल क्रोम ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। बहुत सारे पीसीज में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज प्रॉपरली वर्क नहीं करता एज कम्पेयर टू गूगल क्रोम। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है सर्च में क्रोम वेब स्टोर, नीचे सजेशन आ गई, यहाँ पे क्लिक करें, क्रोम वेब स्टोर में जाएं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में आपने लिख लेना है वर्डट्यून। वर्डट्यून लिखे सर्च कर, देखिए जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी, देखिए एडिट, मैंने पहले से ऐड किया है तो ये ऊपर एडिट आ रहा है वर्डट्यून, आप इस पे क्लिक करें। अब देखिए इसके यूजर्स कितने हैं, आप ये देखें इसके 900,000 प्लस यूजर्स हैं और इसकी जो रेटिंग्स है वो 1.979 है। मींस ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम गूगल फॉर कंटेंट क्रिएशन। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा एड टू क्रोम, ये एड टू क्रोम हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस पजल बटन पे और यहाँ पे आपको ये पिन आइकन दिख रहा होगा, आपने इसे पिन कर देना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हो सकता है आप जब इसको यहाँ पे एड टू क्रोम करें तो यहाँ पे ये शो ना हो रहा हो इस तरह का W का सिंबल। आपने जाना इस पजल सिंबल में, यहाँ पे इस तरह से जो अनपिन होगा आपने पिन कर देना, ये पिन आपका ब्लू कलर में हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका वर्ड टू यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब स्टूडेंट्स अगेन आते हैं अपनी लास्ट जो पॉइंट है हमारे स्किल सर्कल का, वही कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, आज जो मैंने आपको चीजें सिखाई यहाँ पे, उसको सिखाने का बेसिकली मकसद ये होता कि आप अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट लेके आए। राइटिंग की स्किल में राइटिंग का यूज हमारे पास हर जगह पे है। अब मेरे पास देखिए वर्ड में यूज था, आप चले जाए वेब डिजाइनिंग में, डिस्क्रिप्शन में यूज था, मेटा डेटा में यूज था, एसईओ में यूज था। उसके बाद आप चले जाए कंटेंट राइटिंग में, टोटली आपको कंटेंट लिखना होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो राइटिंग का यूज आप हर जगह पे, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि अपनी स्किल्स पे फोकस करें प्लस राइटिंग के साथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को आपका एडवांस एक्सेल का डेमो सेशन है। अब एडवांस एक्सेल में हम क्या सीखेंगे वो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। ये हमारी एक क्लास का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम इससे बहुत ज्यादा सीखेंगे जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक मैंने कैलकुलेटर जनरेट किया है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा एक सेल्स टेबल है, यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स डाली है, ये 10 सेल्स है और ये उन सेल्स का मुझे सम चाहिए। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक बटन डाल दिया है, ये बटन देके सम रिजल्ट में इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टोटल यहाँ पे मिल रहा है 1,36,200। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ मेरा टेबल डायनामिक है या नहीं, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 200 को कर देता हूँ मैं 1,000, ये देखिए 1,37,000। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे इसका सम नहीं चाहिए, मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए कि इसमें सबसे मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। मैं मैक्स बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिये 26,000 मेरी मैक्स सेल है। अच्छा ये आपके एडवांस एक्सेल का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम इस तरह से कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे, आप किस तरह से टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। इन्हें मैक्रोस कैलकुलेटर कहा जाता है, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हमारे पास एक मैसेज है, सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा, आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे सम रिजल्ट चाहिए था, मैंने सम पे क्लिक किया तो मुझे सम मिल गया। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखिए ये मैंने, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर बनाया है। ये आपके एडवांस एक्सेल का एक जस्ट छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने क्या करना है, हमने सेल्स कैलकुलेटर बनाना है। हमने देखा था इसमें हम सम और मैक्स का बटन प्रेस करते तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हमें शो होती है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपनी मिनिमम वैल्यू चाहिए कि मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस करूँ मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो ये देखिए मिन का बटन मैं प्रेस करता हूँ 1000। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, ये 1000 मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू बता रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 200। तो ये देखिए 200 मैं यहाँ पे अपनी मिनिमम वैल्यू कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20, तो मुझे 20 शो करेगा। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जो सम है उस पर क्लिक करता हूँ, ये भी 1,28,000। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 3,000। तो इस तरह से डायनेमिक कैलकुलेटर बनाना हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। होपफुली ये जो स्किल सर्कल था ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के स्किल सर्कल्स में रखता रहूंगा जिसमें हम रिलेटेड टू एक्सेल, रिलेटेड टू पावर पॉइंट, रिलेटेड टू वर्ड, हम इस तरह की चीजें सीखते रहेंगे। इससे होगा क्या, इससे सबसे पहली बात यह कि आपकी स्किल पॉलिश होगी, दूसरा आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट्स होपफुली आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे कमिंग एडवांस लेक्चर में MS एक्सेल के, वहां पे हम और बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो हमारी स्किल लर्निंग जर्नी है इसी तरह चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।